माननीय उपसभापति जी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी विषय रखे हैं, ये विषय कुल मिला के सरकार का जो टोटल अप्रोच रहा है और टोटल अप्रोच के माध्यम से जो उपलब्धियां हुई है, ये उपलब्धियां दोनों सदन के सामने रखी है। माननीय उपसभापति जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार बनी, और सरकार तो बनती है डेमोक्रेसी में और चलती है, लेकिन हमने केवल सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं बनाई थी, हमने देश को बनाने के लिए सरकार बनाई थी, और हमने जो कहा था वो हमने किया। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में वोट लिया था, तब कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी, और जो ही हमने किया था, जो हमने कहा था वो हमने किया। इसलिए जनता ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र को समर्थन किया, और ये समर्थन के माध्यम से हमने फिर से सरकार बनाई। पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में होती है, सरकार की आलोचना भी होती है, और सरकार जो सकारात्मक काम करते हैं उसकी प्रशंसा भी होती है। माननीय उपसभापति जी, हम ये विचार के वाहक हैं, जो अच्छा होते हैं उसकी हम प्रशंसा भी भूतकाल में हमने की है, और जब आलोचना की आवश्यकता होती थी तब सरकार की आलोचना भी हमने की है। हम ये विचार के वाहक है। एक बार जब 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी और सम्माननीय इंदिरा जी देश के प्रधानमंत्री थी और उसके नेतृत्व में देश विजयी हुआ था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की सराहना की थी, और हमने देश की सुरक्षा के लिए, देश की सलामती के लिए एयर स्ट्राइक किया, और उसका सबूत हमसे मांगा गया। ये नेशन का इश्यू है, पॉलिटिकल पार्टी का इश्यू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना होती है, होनी चाहिए, वे नो ऑब्जेक्शन, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करते 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 कभी हम देश की आलोचना की ओर आगे नहीं बढ़ जाते हैं, वो भी ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। और हमने सारा डेवलपमेंट किया, हमने जो किया, यहां काल में सुन रहा था गुजरात के बारे में, यहां बात हो रही थी व्हाट इज न्यू इंडिया, गुजरात मॉडल तो हमने देखा ही नहीं, क्या है गुजरात मॉडल। मैं गुजरात से आता हूं, माननीय उपसभापति जी, गुजरात मॉडल है जो गुजरात ने जो किया, और मेरा स्पष्ट मानना है कोई भी स्टेट, गुजरात है शायद, वहां हमारी सरकार 6 टर्म से रही हुई है, इसलिए ही उसका क्रिटिसाइज करना वो उचित नहीं है। वो भी एक हिंदुस्तान का पार्ट है, वो भी एक हिंदुस्तान का स्टेट है, और उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। माननीय उपसभापति जी, गुजरात स्टेट है, उन्होंने रोड कनेक्टिविटी 2006 पहले ऑल विलेज में सुनिश्चित की थी, ये गुजरात है। ये गुजरात ने आज 15 नदी को जोड़ के, नदी जोड़ने की बात चलती थी, सालों से चलती रही है, नदी 15 नदी को जोड़ के किसानों को पानी पहुंचाने का काम किया है, ये गुजरात है। गुजरात का एक पार्ट कच्छ है, कच्छ में सूखा होता था, 4-5 साल में एक बार बारिश हो जाती थी, और वहां ऐसी सूखा की स्थिति। माय सेल्फ बिलोंग फ्रॉम सौराष्ट्र रीजन, मैं सौराष्ट्र रीजन से आता हूं, सौराष्ट्र रीजन में भी दूसरे तीसरे साल में सूखा पड़ना ये स्वाभाविक होता था। ये हमारी एक गुजरात मॉडल है। हमने 1,15,000 किलोमीटर नर्मदा डैम से पीने का पानी की लाइन बिछाई और 7,000 विलेज को हमने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया। ये गुजरात मॉडल है, जो गुजरात मॉडल में लास्ट 17-20 साल से कोई कौमी दंगा नहीं हुआ है, एक क्लास का वातावरण है, और सभी जाति, जाति वर्ग, समुदाय साथ में मिलजुल के धंधा व्यवसाय करते हैं, और यही गुजरात है। जो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ, गुजरात का यह मॉडल, जिस मॉडल का इंप्लीमेंटेशन हमने देश में किया, और यही मॉडल के आधार पर हमको पहली बार जनता ने वोट दिया था, और दूसरी बार भी ये मॉडल का एक बेहतर तरीके से देश में इंप्लीमेंटेशन हमने किया, इसलिए फिर से ही मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। पॉलिटिकल हो सकता है किसी के बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन जो किया है वो वास्तविकता का स्वीकार नहीं होने से कई दिक्कतें खड़ी होती है। मैं कहना चाहता हूं,
माननीय उपसभापति जी, हमने टोटल अप्रोच की बात की। यहाँ पहले बात होती थी गरीबी हटाओ के नारा से गरीबी नहीं हट जाती थी। बात होती थी हम बजट में 10 लाख हाउसिंग बनाएंगे। बजट में बात होती थी, एक बार जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस वक्त ये कहा गया था कि देश के गरीब लोगों को बैंक से ऋण मिले, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। लेकिन हुआ क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया लेकिन गरीब लोग बैंक के ऑफिसर को मिल नहीं पाते थे और अपना बैंक में अकाउंट भी नहीं खोला पाते थे, और बैंक में जाते थे उसको इतना बड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ कागज पकड़ा देते थे और एक फॉर्म फिल करके 10 उसके साथ अटैचमेंट करना पड़ता था। गांव के गरीब मजदूर किसी सब्सिडी उसको मिलनी हो उसकी अपेक्षा से, कोई सरकार की सहाय मिले उसकी अपेक्षा से, बैंक से उसको ऋण मिले उसकी अपेक्षा से, पढ़ा लिखा युवान बैंक में तो जाया करता था लेकिन बैंक में उसका अकाउंट नहीं खुलता था। और हमारी टोटल अप्रोच वाली सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वोट लिया उसके बाद जनधन योजना निकाली। क्या ये थी जनधन योजना? ये जनधन योजना हर गरीब व्यक्ति बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सके। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, एक गांव से गरीब और सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति थे ना, उसको पता था कि बैंक में भी कभी गांव में किसानी करते किसान या तो मजदूरी करने वाला मजदूर वो कभी बैंक में जाए। मोदी जी ने कहा बैंक मैनेजर को गांव में जाना है। मेरे गांव में अनपढ़ मजदूर वो लिखना नहीं जानते, इंग्लिश फॉर्म भरना फिल नहीं करना नहीं जानते हैं, उसको फॉर्म फिल करने की जिम्मेवारी ऑफिसर की है। उसके पास बैंक में रखने के लिए पैसा नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है ये देश के गरीब और मध्यम वर्ग और किसान के हित में 34 करोड़ बैंक में अकाउंट खुल गया। ये हमारा टोटल अप्रोच है। ये टोटल अप्रोच से हम आगे बढ़े, हमने केवल भाषण नहीं किया, गरीबों के लिए काम किया। और यहाँ 10 लाख हम मकान बनाएंगे। हम टोटल अप्रोच से कहते हैं कि हम 2022 तक देश के हर गरीब को, देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी फैमिली ऐसा नहीं होना चाहिए जो फैमिली के घर, जो फैमिली को अपना घर ना हो। और यहाँ यही फ्लोर पर बात होती थी, मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन होता था हम 2 बोतल से 4 बोतल कर देंगे, 4 बोतल से 6 बोतल कर देंगे। एलपीजी गैस कनेक्शन जो साल में 12 बोतल मिलती थी उसको हम 14 कर देंगे, 16 कर देंगे, वो बात होती थी। माननीय उपसभापति जी, ये हमारी टोटल अप्रोच वाली सरकार। गांव में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, एक गरीब परिवार में जब चुनाव के कैंपेन में हम जाते थे और हम कहते थे कि आप किसको वोट करेंगे तो लोग कहते थे कि हम मोदी जी को वोट करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, हम एनडीए को वोट करेंगे। क्यों? हमारे गरीब घर में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो गया है। आजादी के बाद 2014 तक केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन था, केवल 5 साल में हमने 14 करोड़ परिवार के यहां गैस सिलेंडर पहुंचा दिया और गरीब घर में गैस का सिलेंडर से चूल्हा जलने लगा। ये हमारा टोटल अप्रोच है। इतना ही नहीं, पहले बात होती थी माननीय उपसभापति जी कि हम गरीब लोगों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराए। मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा हूं, जब हमारी सरकार बनी और एनएलएम के माध्यम से कई मेडिसिन की प्राइस कैप की थी। 2008 में जब यूपीए की सरकार थी तब टोकन तो होता था, टोकन के रूप में एक डिसीजन लिया गया था उस वक्त कि हम गरीब लोगों के लिए जन औषधि स्टोर ओपन करेंगे। 2014 में हमारी सरकार बनी, 2014 में केवल 98 जन औषधि स्टोर थे, 150 टाइप की मेडिसिन मिलती थी। सिर्फ एक मिनट समय। उपसभापति जी, केवल टोटल अप्रोच क्या होता है, जब हमारी सरकार बनी 5 साल में 5,300 जन औषधि स्टोर के माध्यम से गरीब लोगों को 700 से ज्यादा मेडिसिन उपलब्ध करवा रही है सारे देश में हर दिन 20 ट्रक 20 ट्रक मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। टोटल अप्रोच के माध्यम से
हमने जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बताया है उसका समर्थन करते हैं।